राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में फ्लैक्सी फेयर सिस्टम पर सरकार दोबारा विचार करने के मूड में दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के विरोध के बाद रेल मंत्रालय ने इसके संकेत दिए हैं। साथ ही इस सिस्टम को दूसरी ट्रेनों में लागू नहीं करने का भी फैसला किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार इन तीन ट्रेनों में यह फॉर्मूला प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है और कुछ समय बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यह सिस्टम आज से लागू हुआ है। वहीं बीजेपी भी इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का कहना है कि सिस्टम से रेलवे की आमदनी कुछ खास बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य वर्ग के नाराज होने और सरकार की छवि बिगड़ने का खतरा ज्यादा जरूर है। हालांकि गुरुवार को पूरे दिन रेल मंत्रालय के अधिकारी इस फैसले का बचाव करते रहे। अपने बचाव में रेल मंत्रालय ने दलीलें दी कि हर रोज 2,30,00,000 से ज्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं और इन तीन ट्रेनों में बैठने वालों की संख्या 1% से कम है और इसलिए फ्लैक्सी किराए का असर बहुत कम यात्रियों पर पड़ेगा। हर दिन 12,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलती हैं और फ्लैक्सी किराया सिर्फ 81 गाड़ियों में लागू हो रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों के यात्रियों को अब इस नई किराया प्रणाली के तहत 10-50% तक अधिक किराया देना होगा। इस सिस्टम से रेलवे ने इस वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने का लक्ष्य रखा है। भले ही जनता को खुश करने के लिए सरकार ने अपने कदम पीछे खींचने का फैसला किया हो, लेकिन इस सिस्टम पर दोबारा फैसला आने तक यात्रियों को बढ़े हुए किराए का ही भुगतान करना पड़ेगा। देखते रहिए डीवी लाइव।